वेलकम टू SKJ न्यूज। तो आज तारीख हो गई है 2 सितंबर की और दिन हो चुका है शुक्रवार का। वहीं देश की हिंदी तिथि है शुक्ला षष्ठी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आइए देखें देश दुनिया की ताजा खबरें। महीने के पहले दिन हुए 2 बड़े बदलाव। पहला बदलाव हुआ कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हुई। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 91.50 रूपए, कोलकाता में 100 रूपए, मुंबई में 92.50 रूपए और चेन्नई में 96 रूपए सस्ता मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम अब कुछ इस प्रकार हैं। वहीं दूसरा बदलाव यह हुआ कि 2016 के बाद पहली बार दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सर्कल दरों में 20% की बढ़ोतरी हुई। इस कारण अब यहाँ पे जमीन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी बोले, भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं कुछ राजनीतिक समूह। इसी की वजह से लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा के साथ युवाओं के हितों के खिलाफ है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण उभर आता है। भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक समूह खुलेआम सामने आ रहे हैं, तो इन समूहों से सतर्क रहना जरूरी है। दोस्तों, अगर अगली खबर में बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछा जाए कि देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी कौन सी है, भाजपा या कांग्रेस? अगर भाजपा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कांग्रेस है देश की सबसे प्रभावशाली पार्टी तो वीडियो को लाइक मत कीजिए, बस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आइए देखें अगली खबर। CCTV फुटेज सामने आने के बाद पलट गई पूरी कहानी, खुल गया मासूम की हत्या का राज। जानकारी के मुताबिक प्यार में अंधी हुई एक महिला ने प्रेमी को पाने के लिए ममता का कत्ल कर दिया। उसने अपने 6 माह के बेटे को एक बालिका से नाले में फिकवा के मार डाला और अपहरण का शोर मचा दिया। हालांकि CCTV कैमरों की फुटेज ने उसकी पूरी कहानी पलट दी। अब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। आइए देखें अगली खबर। देश में रोजाना 28 करोड़ से ज्यादा का हो रहा है डिजिटल लेन देन। बताया गया है भारत में रोजाना औसतन 28.4 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, जो की विश्व भर में सबसे ज्यादा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में चीन दूसरे नंबर पे तो अमेरिका तीसरे नंबर पर है। आइए अगले अपडेट में देखें टेक दुनिया से जुड़ी एक बड़ी खबर। फर्जी ऐप के जरिए 1 लाख कंप्यूटर में पहुंचाई वायरस। गूगल ट्रांसलेट के फर्जी ऐप को डाउनलोड करने के कारण 1 लाख से भी ज्यादा कंप्यूटर में क्रिप्टो माइनिंग मेलवेयर पहुंच गया है। मेलवेयर का नाम नेट्रोकोड है, जो कि गूगल ट्रांसलेट ऐप के जरिए लोगों के कंप्यूटर में पहुंचा है। बताया गया है इस मेलवेयर यानी के वायरस से 11 देशों के कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। देखिए अगली खबर में हाईकोर्ट का एक बड़ा बयान। तलाक के बढ़ते मामलों पे केरल हाईकोर्ट ने चिंता जताई, कहा यूज एंड थ्रो कल्चर ने बर्बाद किया। तलाक की एक याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नई पीढ़ी शादी को बुराई मानती है, आजादी के लिए वो इससे दूर भागती है। यही वजह है कि आज लिव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये समाज के लिए चिंता का विषय है। आइए देखें अगली खबर। यहाँ विराजमान है आधार कार्ड वाले गणेश जी। जमशेदपुर में बने पंडाल में भगवान की जन्म तिथि से लेके पता तक लिखा है। इस पंडाल में भगवान गणेश को उनके आधार कार्ड के साथ दिखाया गया है। इसमें गणेश जी का पता और उनकी जन्म तिथि भी अंकित की गयी है। वही फोटो की जगह भगवान की मूर्ति स्थापित की गयी है। अगली खबर में देखे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस सितंबर के महीने में कौन कौन सी तारीखें रहेंगी खास। तो कल 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी और राधाष्टमी है। महीने के पहले शनिवार को भगवान गणेश की दुर्वा से विशेष पूजा की जाएगी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। वहीं 6 सितंबर को है फूलडोल एकादशी, 7 सितंबर को है वामन जयंती और 9 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान अनंत देव की पूजा की जाएगी, साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन होगा और गणपति का विसर्जन किया जाएगा। 10 सितंबर को है भाद्रपद पूर्णिमा। वहीं 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी, जो कि 5 अक्टूबर को दशहरे के साथ खत्म होगा। आइए देखें अगली खबर। मनसे नेता ने बुजुर्ग महिला को चांटा मारा। पीड़ित बोली, शॉप के सामने पोल लगा रहा था, विरोध किया तो बदसुलूकी करने लगा। मुंबई के मुंबा देवी इलाके में हुई इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे कार्यकर्ताओं ने महिला मेडिकल के शॉप के सामने प्रचार के लिए पोल लगाया था, जिसपे महिला ने आपत्ति जताई थी। मारपीट करने वाले नेता का नाम विनोद अर्गिले है। महिला ने शिकायत दर्ज कराई है तो कहा गया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखें अगली खबर। खाद्य तेलों पे 6 महीने और नहीं लगेगा सीमा शुल्क और सेस। जानकारी के मुताबिक आयातित खाद्य तेलों के बुनियादी कस्टम ड्यूटी और कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस से मिली छूट को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इन खाने वाले तेलों के आयात पे मार्च 2023 तक ये छूट लागू रहेगी। बताया गया है सरकार के इस फैसले की वजह से खाने वाले तेल की कीमतें काबू में रहेंगी। आइए देखें अगली खबर। किशोर कुमार के बंगले में रेस्टोरेंट खोलेंगे विराट कोहली। किशोरदा की फैमिली के साथ डील हो गई है फाइनल। 5 साल के लिए लीज पे लिया है बंगला। ई टाइम्स के मुताबिक विराट एक हाई ग्रेड रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहे हैं। इसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। कहा जा रहा है अगले महीने ये रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा। आइए देखें अगली खबर। मुंबई में हुई अंडरवर्ल्ड की वापसी। इस बार दाऊद का है केवल नाम, पूरी जिम्मेदारी है अनीस इब्राहिम के पास। आतंकियों को भेजा जा रहा है पैसा। जानकारी के मुताबिक
मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मुंबई में ड्रग और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी और बिल्डरों को धमकी और ड्रग का कारोबार बढ़ गया है। इसी से जुड़ा देखें एक और बड़ा अपडेट। NIA ने पहली बार सभी की ताज़ा फोटो जारी की, पर दाऊद की वही पुरानी तस्वीर मिली। NIA ने बीते गुरुवार को इनामी राशि की लिस्ट जारी की है। इसमें दाऊद पर 25 लाख का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। आइए देखें अगली खबर। अमित शाह ने CAPF के कर्मियों के लिए ई आवास पोर्टल की शुरुआत की। कहा, जवानों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए पोर्टल की मदद से CAPF कर्मी केवल अपने बल में उपलब्धता आवास खोजने के बजाय अन्य बलों के पास उपलब्ध घर भी ढूंढ सकेंगे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा करने और अन्य आंतरिक सुरक्षा देने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। नए पोर्टल के जरिए देश के जवानों को घर लेने में आसानी होगी। अगली खबर में देखें अंकिता के केस से जुड़ा ताज़ा अपडेट। अंकिता की हत्या के आरोपी नईम पर बड़ा खुलासा। नाबालिग बोली, मुझे दुबई बेचने की धमकी दी, धर्म बदलने का दबाव भी बना रहा था। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख के सहयोगी नईम की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पुराना दुमका की रहने वाली एक नाबालिग मीडिया के सामने आई। लड़की ने बताया, नईम उस पर धर्म बदल के निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर अपने दुबई वाले भाई को बेचने की धमकी देता था। कुछ दिन बाद ही उन्होंने अंकिता को जला के मार दिया। आइए देखें अगली खबर। लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू हुए गिरफ्तार। दो नाबालिगों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ है केस। आरोप लगाने वाली किशोरियों का कहना है कि वो मटकी ओर से संचालित स्कूल में पढ़ती हैं। उनकी उम्र 15 और 16 साल है। संत ने उनका 3.5 साल से ज्यादा समय तक यौन शोषण किया है। अगली खबर में देखें भगवान के नाम पे कैसे किया गया बड़ा फ्रॉड। ऑनलाइन मूर्ति मंगा के खेत में दबाई, लग गई भक्तों की भीड़। जानकारी के मुताबिक यूपी के उन्नाव में बाप बेटों ने देवी देवताओं की मूर्तियां ऑनलाइन मंगाई, फिर उन्हें खेत में दबा दिया। थोड़ी देर बाद बाप बेटे कुछ लोगों के सामने खेत की खुदाई करने लगे। मूर्तियां निकाली और बताया कि ये 500 साल पुरानी है। केवल 2 दिन में ही यहाँ पे 35,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ गया। हालांकि अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर में देखें साइंस का एक बड़ा कारनामा। चीनी एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में उगाया धान। 30 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं चावल के पौधे। इन्हें रिसर्च के लिए पृथ्वी पर भी लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक धान उगने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया गया है इसके जरिए वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि कैसे पौधों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के वातावरण की मदद ली जा सकती है। आइए देखें अगली खबर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन हो गई लॉन्च। सीरम इंस्टीट्यूट और केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है ये नया टीका। 200 से 400 रुपए होगी इसकी कीमत। अगर आप नहीं जानते कि सर्वाइकल कैंसर क्या है तो इस इमेज के जरिए जानिए। इस बारे में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर पे बहुत असरदार है और ये वैक्सीन इस कैंसर को रोकता है। 85 से 90% मामलों में सर्वाइकल कैंसर वायरस की वजह से होता है। बताया गया 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। आइए देखें अगली खबर। सीमा का बेटा बोला, माँ ने मेड को दिव्यांग बनाया, मैंने विरोध किया तो मुझे मानसिक विषय बता के पागलखाने ले गई। जानकारी के मुताबिक सीमा के बेटे आयुष्मान ने पुलिस को बताया है कि माँ ने मेड को 3 साल तक एक ही कमरे में बंद रखा, उसे सूरज की रोशनी तक नहीं देखने दी, उसे मारती और यूरिन को मुंह से साफ कराती। माँ की लगातार बेरहमी के चलते मेड दिव्यांग हो गई। अकाउंट्स बैन के मामले में देखें ये अगली खबर। IT नियमों का है ये असर। व्हाट्सएप ने जुलाई के महीने में बैन किए 23 लाख से ज्यादा अकाउंट्स। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने बीते गुरुवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई के आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी महीने में अब तक के सबसे ज्यादा हैं। तो व्हाट्सएप पे अब जो भी यूजर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सीधे उनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। आइए देखें अगली खबर। बाढ़ में सीएम योगी का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। इस पर TRS नेता ने तंज कसा और कहा कि यही डबल इंजन वाली सोच है। असल में सीएम योगी आदित्यनाथ बीते बुधवार को बाढ़ का दौरा करने के लिए वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। नाव से उतरने के बाद सीएम को असली घाट तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने रेड कार्पेट बिछाया था। इसी पे अब विपक्षी पार्टी तंज कस रहे हैं। अगली खबर में देखें दिल को झंझोर देने वाली तस्वीर। इलाज नहीं मिला तो माँ की गोद में दम तोड़ा। अस्पताल के बाहर माँ रोते हुए पुकारती रही, बेटा उठ। परिजन बोले कि डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे। जानकारी के मुताबिक जबलपुर में एक माँ अपने 5 साल के बीमार बेटे को गोद में लेके अस्पताल के बाहर बैठी रही, लेकिन OPD के समय कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। इलाज न मिलने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। आइए देखें अगली खबर। पंजाब में व्हाट्सएप पर मिलेंगे सरकारी सर्टिफिकेट। सेवा केंद्रों में होलोग्राम और फिजिकल साइन का झंझट होगा खत्म, अब डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी पहल की है। बताया गया है अब लोगों को किसी भी तरह के सर्टिफिकेट घर बैठे व्हाट्सएप पर मिलेंगे। उन्हें सिर्फ इसका आवेदन करने के लिए सेवा केंद्र आना होगा। आइए देखें अगली खबर।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का दावा। जैकलीन के लिए सुकेश ने श्रीलंका में खरीदा था घर, बहरेन और मुंबई में भी बंगले का एडवांस दे दिया था। बताया गया है घोड़े, बिल्ली और ज्वेलरी ही नहीं, सुकेश ने जैकलीन के लिए घर भी खरीदा था। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट में ईडी ने बड़े खुलासे किए हैं। आइए देखें अगली खबर। जदयू के पोस्टर में नीतीश कुमार का नया नारा, लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। बिहार की सियासत में रोज रोज नए दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद से ही उन्हें 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार का एक नया पोस्टर देखने को मिला है, जिसमें लिखा है प्रदेश में दिखा अब देश में दिखेगा। आइए देखें अगली खबर। दिल्ली में लड़की को गोली मारने वाला हुआ अरेस्ट, सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई थी, बात बंद की तो हत्या का प्लान बनाया। इसे लेकर अरमान अली को गुरुवार को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही अभी हाल ही में लड़की के पिता ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें ये आरोप लगाया था कि लोग अरमान को पकड़ने की जगह घटना का वीडियो बनाते रहे। अगली खबर में देखें मल्लाहों का कैसे हो गया है बुरा हाल। बाढ़ के कारण 2000 मल्लाहों ने छोड़ी काशी। गंगा के एक इंच बढ़ने से छिनी 15,000 नाव चलाने वालों की रोजी रोटी। जानकारी के मुताबिक 31 दिन बीत चुके हैं, बनारस में गंगा अभी भी उफान पर है। इसी की वजह से घाटों पे नाव चलाने वाले 15,000 गंगा पुत्रों की बेचैनी हर सेकंड बढ़ती जा रही है। कई तो उधार लेके परिवार को पाल रहे हैं। अगली खबर में देखें मौसम का ताजा अपडेट, यानी कि आज 2 सितंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। असम, मेघालय, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश और बिहार के तलहटी वाले इलाकों में, साथ ही मध्य महाराष्ट्र में और कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा केरल के आंतरिक तमिलनाडु में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा भी कोंकण में, गोवा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तरी पंजाब में, उड़ीसा में, साथ ही तेलंगाना में और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। अगली खबर में देखें कि सितंबर के इस महीने में कौन कौन सी तारीखें रहेंगी खास। सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। इस महीने में कई और प्रभावशाली व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जैसे कि 8 सितंबर को आशा भोसले का जन्मदिन है। वहीं 26 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। वहीं लता मंगेशकर की जयंती 28 सितंबर को है। साथ ही आपको बता दें इसी महीने के 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जयंती भी है। आइए देखें अगली खबर। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर में मिल रही है बग की चेतावनी, यूजर रहे सावधान। जानकारी के मुताबिक CRTIN ने अपनी लेटेस्ट एडवाइजरी में कहा है कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में एक बग है। इसी की वजह से कहा गया है कि जो भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो अपने ब्राउजर को अपडेट कर लें। अगली खबर में देखें फोन की लॉन्चिंग को लेकर एक बड़ी खबर। इस महीने कम कीमत वाले ये 5G फोन होंगे लॉन्च। जानकारी के मुताबिक पोको M5 को 5 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। फोन में 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। वहीं Redmi की तरफ से आने वाले Redmi 11 Prime 5G को भी 15,000 रुपए से कम कीमत में पेश किया जाएगा। इस फोन को 6 सितंबर को लॉन्च किया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक iQOO Z6 Lite 5G को भी भारत में सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो आज 2 सितंबर के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रोजाना ही देखना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार और ताज़ा खबरें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली खबर में बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि CM योगी पे विपक्षी पार्टी ये जो तंज कर रही है तो क्या ये सही है, इस पर आपका क्या कहना है।